गर्मी के मौसम में अगर किसी भी व्यक्ति को गमोरिया हो जाती है, यानी पूरे शरीर पर दाने बन जाते हैं, उनके अंदर खुजली चलती है और काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको तीन रेमेडी बताऊंगी। तीनों ही रेमेडी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। आपको जब भी इस प्रकार से गमोरिया जैसी शिकायत लगती है, आप तीनों में से कोई सी भी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में गमोरिया सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, जिसके अंदर पूरे शरीर पर दाने बन जाते हैं, लाल चकते जैसे दिखाई देते हैं, उनके अंदर खुजली बहुत तेज चलती है और फिर जलन होती है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को गमोरिया हो रही है तो ये तीनों ही उपाय आपके लिए काफी ज्यादा फायदेकारी रहेंगे। गमोरिया होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आपने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है, वहां पर हवा नहीं लगती है तो गमोरिया हो जाती है। इसी तरह से अगर आप धूप के अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं, अपने आप को कवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी आपके शरीर पर दाने निकल जाते हैं और वो गमोरिया का रूप ले लेते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार से दिक्कत हो रही है कि गमोरिया हो चुकी है, तो आप इसकी रेमेडी को तुरंत ही करिए और तीनों ही रेमेडी आपको तुरंत ही आराम देगी। पहली रेमेडी यह है कि आपको थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लेना है और उसी के अंदर आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना है और अच्छे से उसका पेस्ट बना करके जहां पर भी आपको गमोरिया हो चुकी है उस जगह पे उसका लेप कर देना है। 5 से 10 मिनट तक इस लेप को रख दीजिए, या फिर अगर आपको धोना नहीं है, उसे ऐसे ही रखना है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो उस जगह पे इसे लगा करके भी छोड़ सकते हैं। यह आपकी गमोरिया को तुरंत सही कर देगी, जो गर्मी हो रही थी, जलन हो रही थी, ठंडक में बदल देगी और जो दाने हो गए थे, चकते हो गए थे, चमड़ी से निकलने से लगी थी, तो वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहला उपाय काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसे कर सकते हैं, यह आपको इंस्टेंट आराम देगा। दूसरी रेमेडी बहुत ही इजी है, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ आपको आइस लेना है और एक कपड़े के अंदर, रुमाल के अंदर, कॉटन के अंदर आपको उसको ले लेना है और जहां पर भी आपके गमोरिया हो रही है वहां पर उसे थोड़ा सा रब करना है। हल्के हल्के हाथ से वहां पर लगाते जाइए, जब वो आइस वहां पर लगाएंगे तो सारे दाने खत्म हो जाएंगे, खुजली का संक्रमण सही हो जाएगा, शरीर में ठंडक आ जाएगी और जलन बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो दूसरा उपाय भी काफी यूजफुल है और ये आपके घर के अंदर रोज आपको मिल भी जाएगा। आइस सभी लोग गर्मी के अंदर यूज करते ही है, तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय भी काफी ज्यादा यूजफुल है। आपको क्या करना है, नीम की छाल का प्रयोग करना है। नीम की छाल आप ले आइए, उसे घिस करके और उसका पेस्ट बना करके जहां पर भी आपको गमोरिया हो चुकी है वहां पर इसे लगा दीजिए। ये स्किन संबंधी अगर कोई और इन्फेक्शन भी होगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, खुजली को बिल्कुल तुरंत सही कर देगा, जलन हो रही होगी तो उसको सही कर देगा, जो स्किन पूरी लाल हो चुकी है, पित्ती जैसा निकलने लगा है, तो उसको भी बिल्कुल सही कर देगा। तो ये तीनों ही रेमेडी काफी पावरफुल है, इंस्टेंट आपको आराम देगी। अगर गमोरिया हो चुकी है तो आप तीनों में से कोई सी भी रेमेडी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब गमोरिया होती है या फिर गर्मी में आप कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने शरीर को पूरा कवर करके रखना है ताकि आपकी धूप ना लगे, धूप की वजह से ये दिक्कत होने लगती है। उससे पहले आप जब धूप में जाते हैं तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल अगर आप लगा के जाते हैं तो गमोरिया नहीं होती है, दाने नहीं निकलते हैं। तीसरा ये है कि आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। गर्मी के अंदर जितना हो सके आपको लिक्विड इनटेक करना है, जैसे आप नींबू पानी ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप जूस का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट रखेगा, पानी की कमी नहीं होगी, तो इस प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गर्मी में आप गमोरिया अगर हो गई है तो इन रेमेडी को कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।